दोस्तों नमस्कार, YouTube के LS Technology Education चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 3ds Max में कोई ऑब्जेक्ट, कोई शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे कि पिलो कवर कैसे ड्रॉ किया जाता है या फिर सोफा कवर्स कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि पिलो कवर अगर आप उसको कैसे उसके अंदर एयर पुश करते हैं, ठीक है, तो वो चीजें आज हम करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले हमारी जो स्क्रीन है इसको फुल साइज कर लेता हूँ। इसके लिए हमें अल्ट डब्ल्यू बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, अल्ट प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन जो है फुल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ से या तो हम शेप ले लें यहाँ से स्टैंडर्ड प्रिमिटिव बॉक्स, ठीक है, या फिर हम यहाँ से डायरेक्टली बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ से स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में, यहाँ से मैं सॉरी ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ से मैं बॉक्स एक ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से एक बॉक्स, इसकी मैं आप छोटा भी ले सकते, बाद में आप हाइट जो और विड्थ इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए यहाँ से, ठीक है, मैं बिल्कुल कम कर रहा हूँ उसकी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसका जो लेंथ है, ठीक है, इतनी रखिए, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आप विड्थ है जो कम ज्यादा करना चाहिए। चलिए मैं लेंथ थोड़ी कम कर देता हूँ और जो विड्थ भी थोड़ी मैं इसकी कम कर देता हूँ, जैसे 57 कर देता हूँ, ठीक है। हाइट आप दो रख सकते हैं या एक ही रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास ये जो है 26 ये क्या है, ये तो जो लेंथ के सेगमेंट है और विड्थ के सेगमेंट है वो अभी दिखाई नहीं दे रहे सेगमेंट। चलो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके लिए सेगमेंट के लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा कि सेगमेंट को कैसे डाला जाता है किसी भी शेप के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ, अगर आपका सेगमेंट आपको शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे जाइए, देखिए जैसे यहाँ पे आप उसका जो पर्सपेक्टिव के बाद स्टैंडर्ड है, उसके बाद है डिफॉल्ट सेटिंग। डिफॉल्ट सेटिंग में आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इसको एज्ड फेस कर दीजिए। जैसे ही एज फेस करोगे आपको आपको इसके जो सेगमेंट दिखाई देंगे, ठीक है, ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको जो है विड्थ में कितने हैं और लेंथ में कितने हैं और हाइट में कितने हैं वो आपको दिखा देगा। हाइट में हमारे पास एक सेगमेंट है, देखिए यहाँ पे ये हमारी हाइट है, यहाँ पे अगर आप दो कर देंगे, देखिए दो हो गए, तीन कर देंगे तीन हो गए, लेकिन इसको हम एक ही रखेंगे, आप चाहें तो दो कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी दो कर देते हैं। उसके बाद आपकी हाइट जो है सेगमेंट यहाँ पे आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप लेंथ में आप कर सकते हैं काफी ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, जितने आपकी इच्छा हो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो सेगमेंट है इन्हीं के द्वारा हम इसको एक्सप्लोर वगैरह जो काफी सारे जो मैक्स में जो फंक्शंस है अप्लाई किए जाते हैं वो इसी के ऊपर ज्यादा अप्लाई होते हैं, ठीक है, एडिटिंग पॉली एडिट इसी के ऊपर काम करता है सारा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं हम इस सेक्शन के ऊपर, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे हमारे पास मॉडिफाई सेक्शन, ठीक है, मॉडिफाई सेक्शन में आप जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मॉडिफाई सेक्शन आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से मॉडिफाई सेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट, इसके अंदर आप मॉडिफायर लिस्ट आपके पास यहाँ भी है, ठीक है, आप जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, मॉडिफायर लिस्ट जो है हमारी, चलिए हम यहाँ पे जाते हैं दो नंबर पे मॉडिफायर लिस्ट पे इसके ऊपर, और यहाँ पे हम मॉडिफायर लिस्ट अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट है जो हमारी मॉडिफायर लिस्ट, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन, ये ऐसे लिस्ट निकलेगी यहाँ से, यहाँ पे आपको सी बटन प्रेस करना है, सी, जैसे आप सी दबाओगे सी वाले आपके जो हो जाएंगे एक्टिव आ जाएंगे आपके सामने। उसके बाद आपको क्लॉथ, यहाँ पे देखिए क्लॉथ, ये आपको सेलेक्ट करना है, जैसे ही आप क्लॉथ करोगे तो सेलेक्ट करोगे तो आपके पास की प्रॉपर्टी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं, चलिए इन ऑप्शंस को अभी नहीं छेड़ेंगे हम सिर्फ यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को छेड़ेंगे पहले, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को छेड़ते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी खोलेंगे यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हमारे पास हमारे सामने आएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ में क्या करना है, बॉक्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम बॉक्स जो हमारा 0.21 है इसको हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यह कोलिजन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप जो कि डेप्थ है कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ये बाय डिफॉल्ट है तो आप इसको रखिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें क्लॉथ जो अभी क्या इनएक्टिव नहीं सिलेक्ट करना, हमें क्लॉथ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्लॉथ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहीं रहने दीजिए, ठीक है। आपको उसके बाद क्या करें, यहाँ पे प्रेशर नाम की ऑप्शन है, यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, प्रेशर में आप यहाँ से जितना प्रेशर उसके अंदर डालना चाहें, मैक्सिमम मैं 25 कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है 25,
तो यहाँ रखे, डैम्पिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं अगर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सेटिंग करने के बाद इसको ओके कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए आपके पास एक चकोर जो है बिल्कुल सिंपल बॉक्स है, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो शुरू होगा। चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा रोटेट करके। देखिए बिल्कुल हमारे पास अभी थोड़ा सा इसकी जो है विड्थ ज्यादा है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम इसके ऊपर काम करेंगे। अभी देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सिमुलेट लोकल, देखिए ठीक है। जैसे मैं सिमुलेट लोकल करूंगा ये फैलना शुरू हो जाएगा। चलिए इसको रोकिए, देखिए जैसे हमने सिमुलेट किया ये हमारा जो था इसके अंदर हवा ऐसे फील हो रहा है जैसे इसके अंदर हवा डाल दी किसी ने, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे देखिए इसके अंदर हवा भर गई है, हमारे जो पिल्लो है तकिया है जैसे बनाने का, अगर कोई गद्दा है मतलब इस टाइप की आपकी कुछ चीज चीजें बनानी है तो देखिए बना सकते हैं इसके अंदर, जैसे आपने किया तो इसके अंदर हवा देखिए एकदम से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से आप इसकी हवा निकाल सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं, अरेंज सिमुलेट, ठीक है। यहाँ पे आप कीजिए इसको अरेंज कीजिए, आप इसकी कम ज्यादा करना चाहते हैं सिमुलेट लोकल दोबारा से कीजिए, देखिए ज्यादा भी हो जाएगी, ये देखिए ठीक है, ज्यादा फैल के नीचे से गिर जाता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, सिमुलेट, चलिए हम यहां रख देते हैं इसको। अभी हमें क्या करना है, अगर इसके अंदर काफी अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कॉर्नर है इनकी सेटिंग आपको करनी है तो अगर आपकी सेटिंग है जो कॉर्नर, यहां से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं काफी सारी। आप राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे कर्व टू एडिट पॉली कर दीजिए, यहाँ पे पॉली कमांड है, आप इनको वर्टेक्स को यूज कर सकते हैं, आप इसके वर्टेक्स है जो इनको ठीक है इसको सिकोड़ सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अगर अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती आप इसके अंदर, ठीक है, आप क्रिएट करके अटैच कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं यहाँ से जो इनका, ठीक है। जहां भी हमारे पास रेड डॉट आपको आप देख रहे हैं रेड डॉट, वहां पे आपका जो है फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर एज क्रिएट करना है, आप काफी सारी ऑप्शंस हैं, ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो चलिए मैं मेन बात बताता हूँ, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एक पिल्लो कवर रेडी है बन के, तो दोस्तों इसको देखना कैसे है पिल्लो कवर को, चलिए हम देखते हैं। उसके बाद आप चाहें जिसकी कॉपी एक या दो या तीन कितनी भी इसकी कॉपी कर सकते हैं, चलिए हमारे पास एक है काफी अभी बड़ा है, आप स्केलिंग भी कर सकते हैं इसकी आप चाहें तो, ठीक है। अगर आप नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप राइट क्लिक कीजिए एस्केप, यहाँ पे देखिए हमारा जो है जो पिलो कवर है बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसकी कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए यहाँ से, आप क्लोन ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लोन अगर आप चाहें तो कॉपी, ओके, यहाँ से इसको ले सकते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं इसको ताकि ये थोड़ा सा आप रोटेट इसको, ठीक है, मूव कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो दोनों हमारे पास जो है पिलो कवर दो दो हैं अभी, तो हम क्या करते हैं इनको एक साइड, आप और चाहें तो कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, क्लोन, ओके। चलिए मैं इसको भी रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से देखिए हमारे पास जो है अब तीन पिलो कवर है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। आप थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हो, काफी टाइम लगता है छोटी छोटी बातों में, वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं इनकी, ठीक है। तो चलिए हमारे पास तीन पिलो कवर, आप चाहें तो उनका कलर चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है, यहाँ से आप ठीक है कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जो इनका ये ग्रिड है जो दिखाई दे रही है इनके अंदर, अब वो एज फेस इनको हटा सकते हैं, यहाँ से आप एज फेस को हटा दीजिए, देखिए
हमारे पास जो पिलो कवर है बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे, लेकिन आप चाहें तो इनके ऊपर कलर प्रिंट प्रिंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट कैसे डालते हैं, चलिए इनके ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। प्रिंट डालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, मटेरियल एडिटर ऑन करते हैं। मटेरियल एडिटर, अगर आपके पास मटेरियल एडिटर में कुछ मटेरियल पड़ा है तो आप उसको लगा सकते हैं यहाँ से आप इसको, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से देखिए डिफ्यूज, अगर आप यहाँ पे है इसके ऊपर नन कुछ नहीं सिलेक्ट रखा है, यहाँ से इसको ओके कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे काफी सारे पैटर्न हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। अदर अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते कोई पैटर्न तो आप यहाँ से शेप मैप ये ले सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई पैटर्न पड़ा है ऐसा तो आप बिट मैप से ले सकते हैं। देखिए मैं अभी देखता हूँ मेरे पास कुछ पैटर्न है या नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से तो मेरे पास कोई पैटर्न खास नहीं है। चलिए फिर भी ढूंढते हैं, अगर मिल जाए। नहीं है मेरे पास, चलिए देखते हैं अगर मिल जाता है तो कोई। चलिए कुछ ये पैटर्न डालते हैं, चलिए ये डालते हैं, ठीक है। फ्लोरल जो है इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको को डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ डबल क्लिक की, सॉरी क्योंकि हमने ये सेलेक्ट नहीं कर रखे हैं, जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी वो चीजें, ठीक है। आप इनको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ से काम कीजिए, ठीक है। ये देखिए ऑन हो गया, आप चाहते हैं ये मटेरियल असाइन उसके ऊपर करें तो ये उसके ऊपर असाइन हो जाएगा, आप इसको कट कर सकते हैं यहाँ से, देखिए। तो इस तरीके से हमारा जो पिल्लो कवर है एक अच्छी शेप में दिखाई देगा और यहाँ से आप इसको रेंडर कर सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा पिल्लो कवर, अगर आपको ऐसे पिल्लो कवर अगर ड्रॉ करने है तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल जिसमें आज हमने पिल्लो कवर का डिजाइन तैयार किया। अगर आप चाहें तो इसमें और कलर भी आप डाल सकते हैं काफी सारे, ठीक है। यहीं पे जाइए वापिस चलते, चलिए मैं आपको एक दो कलर डिजाइन कलर दिखाता हूँ। आप यहाँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। स्टैंडर्ड डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से आप इसको डबल क्लिक कीजिए, मैश पे जाइए। चलिए मैं यहाँ से एक येलो ये था शेप मैप, इसको ओके करते हैं। अब पता नहीं इसके ऊपर लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इनको सेलेक्ट नहीं कर रखा। आप इनको जब भी आपको कुछ लगाना उनके ऊपर प्लीज सेलेक्ट जरूर कीजिए, अदरवाइज ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से आप इसके ऊपर कीजिए और उसके बाद आप इसको अप्लाई टू मटेरियल टू व्यूपोर्ट कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरीके से आप अच्छे अच्छे आपके जो है पिलो कवर डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आएगा, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अगर कुछ आपको जानकारी लेनी तो आप हमारे जो यूट्यूब के जो वीडियोज होंगे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी जवाब दूं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।